गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल फैंटासी चैंपियन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जे लीग में जो BLM वर्सेस TSU मैच है उसकी। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लेकिन उसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि आने वाले सारे मैचेस की अपडेट आपको मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारा टीम का परफॉर्मेंस सब चेक कर सकते हैं कि हमारा टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि कौन सा चैनल बेस्ट है। कल वाले एक ही मैच खेल लेते, उसके बाद रात में और मैच नहीं खेल लेते। तो DY वर्सेस जुवेंटस के मैच जो था उसमें आप देख सकते हो सारे लीग विन किए हैं। उसके पहले जो बास्केटबॉल का मैचेस हुआ था उसमें भी हम लोग सारे लीग विन किए थे, 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, 20 कॉन्टेस्ट विन भी किए हैं। तो थोड़ा क्लैश हुआ था दो एक लीग, और इसमें तो विदाउट क्लैशेस में 18 कॉन्टेस्ट में 18 ही विन किया है। आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो और ये सब टीम आप भी मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो, टीम भी देख सकते हो। बिल्कुल फ्री चैनल है, कोई भी प्राइम का बात नहीं है। जो मैचेस मैं खेलता हूँ उस सारे मैचेस की टीम हम प्रोवाइड करते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस टीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए बात करते हैं आज की मैचेस की। तो आज का जो मैच BLM वर्सेस TSU के अगेंस्ट खेला जाएगा उसकी, यानी सोनम बलमारे वर्सेस सगम टसू के अगेंस्ट ये मैच खेला जाएगा आज आफ्टरनून 4 PM में। तो BLM यानी कि सोनम बलमारे का रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 मैचेस में 5 ही लॉस किया है। और सागम टसू का लास्ट 5 मैचेस की बात करें जिसमें 4 लॉस और 1 ड्रॉ का सामना करना पड़ा है। तो सोनम बलमारे अभी तक इस टूर्नामेंट में जापानीज J1 लीग में 22 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें 3 गेम विन किया है, 3 मैच टाई किया है और 16 मैचेस लॉस का सामना करना पड़ा है। तो आप देख सकते हो इस टीम का हालत क्या है। तो इसके पहले वाले जो मैचेस ये लोग खेले थे वो खवासाई रॉयल्स के रसल के अगेंस्ट खेले थे, वो 3-2 गोल डिफरेंस से विन किए थे। उसके पहले वाले जो मैचेस खेले थे वो सिर्जो ओसाका के अगेंस्ट खेले थे, वो 1-0 से लॉस किए थे। ये रहा सोनम बलमारे का रिसेंट परफॉर्मेंस की डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सगम टसू के मैचेस की। तो सगम टसू 15 पोजीशन में है 19 पॉइंट के साथ। तो 22 मैचेस में वो लोग 4 विन किए हैं, 7 टाई किया है और 11 गेम लॉस का सामना करना पड़ा है। तो इसके पहले वाले जो मैचेस हुए थे उसमें सिमिजू एस प्लस के अगेंस्ट खेला था और 1-1 से वो मैच ड्रॉ किया था। तो इसके रिसेंट लास्ट 5 मैचेस में 1 ड्रॉ और 4 लॉस किया है। तो दोनों टीम का हालत ही बहुत ख़राब है। ये रहा BLM और TSU का प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर किसी की ज़रूरत हो तो एक बार चेक कर लेना, और ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी प्लेइंग 11 आ जाता है तो आपको प्लेइंग 11 लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको टीम का इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है दोनों टीम का ये मिलना चाहिए। अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें दो टीम कैसे परफॉर्म कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स आ रहा है वो है की प्लेयर्स के बारे में। तो सोनम बलमारे का की प्लेयर्स की बात करें तो इसमें नाओ की इशारा, टिमामा मत्सुदा एंड ओटाका मोतो, ये जो 3 प्लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्मॉल लीग चाहे ग्रैंड लीग जिसमें भी खेलो ये 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इशारा जो है वो फॉरवर्ड प्लेयर है जो 21 मैचेस खेले हैं जिसमें 6 गोल किए हैं। टीमा मत्सुदा जो है वो एक मिडफील्डर है, 21 मैचेस में 2 ही गोल किए हैं। और ओकामोतो एक डिफेंडर है जो 21 मैचेस में 2 गोल किए हैं। तो आपको सोनम बलमारे का जो की प्लेयर्स है उसमें 3 प्लेयर आपको बता दिया है। आइए देखते हैं सगम टसू के बाद। सगम टसू के जो 3 प्लेयर है उसको आप डीची हाइशा, रुआ मोरताजी एंड रिकी हरकावा, तो ये 3 जो प्लेयर है ये आपके लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी दोनों टीम मिला के आपको 6 प्लेयर आपको बता दिया है, जो 6 प्लेयर आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में लेके ही चलना पड़ेगा। तो हाइशी जो है वो 19 मैचेस खेल के 6 गोल किया है,
रोया मोसाइता जो 22 गेम खेल के 3 गोल किया है, जो एक मिडफील्डर है, और हिकी हरकावा वो भी एक मिडफील्डर है और 20 में गेम खेल के 3 गोल किया है। तो दोनों टीम मिला के आपको 6 प्लेयर, अब इम्पोर्टेंट 6 प्लेयर आपको बता दिया, और 6 प्लेयर का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है वो भी आपको बता दिया, दोनों टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है वो भी आपको बता दिया, इसके पहले वाले 2 मैचेस की रिकॉर्ड भी आपको बता दिया। तो आई होप वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए हो, तो एंजॉय किए हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर भी करना, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आइए देखते हैं एक डेमो टीम जो आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मैं बनाई है उसकी। फाइनल टीम्स एंड अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टीम का परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उसके बाद डिसाइड करना कि कौन सा चैनल बेस्ट है। मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ क्योंकि हमारा टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा है, तो आप चेक करके देखना, चैनल छोटा है लेकिन टीम छोटा नहीं है। चलिए डेमो टीम देख लेते हैं क्या डेमो टीम है। मैंने एक डेमो टीम बनाई है जो जनरली स्मॉल लीग के लिए ही मैं बनाई है, आप इस टीम को लगा के आप लीग ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम्स एंड अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप टीम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी टीम से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट 6 प्लेयर बताए, आप इस टीम में चेक कर लेना कि 6 प्लेयर है कि नहीं। तो ऐसी करके टीम बनाते हैं। मैं फुटबॉल का वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा नॉलेज मिले, आप अगर किसी का टीम से भी खेल रहे हो तो खुद से 1-2 चेंजेस कर सके ताकि आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़े। बहुत सारे लोगों के बीच में फुटबॉल का नॉलेज नहीं है, वो कॉपी पेस्ट करके चलते हैं और उसके लिए ही लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो आई होप वीडियो आप देखने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको खुद के भी पता चल जाई होगी, तब आप एक अच्छी टीम बहुत अच्छे से बना सकते हो, इसीलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, और आने वाले जिसने मैचेस है टुडे के लिए उसके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।